इंडिया ए और इंडिया बी के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय मैच को इंडिया बी की टीम ने जीत लिया। इंडिया बी की इस जीत के हीरो रहे ओपनिंग बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने इंडिया बी की ओर से धमाकेदार शतक जमाते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। मयंक से पहले इंडिया बी के तेज गेंदबाज प्रतिथि कृष्णा ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए। इस मैच में इंडिया ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंडिया ए की ओर से अंबाती रायडू ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए। 218 रन के स्कोर का पीछा करते हुए इंडिया बी के ओपनिंग बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने शतक जड़ दिया। मयंक अग्रवाल ने 114 गेंदों पर 124 रन की बेहतरीन पारी खेली। मयंक की शानदार पारी की बदौलत ही इंडिया बी ने मैच 41.1 ओवर में 218 रन बनाकर जीता। इंडिया बी की ओर से ईशान किशन शुभमान गिल अपना विकेट गवा बैठे। इसके बाद मयंक अग्रवाल 124 रन बनाकर आउट हुए। मयंक गए तो मनीष पांडे और केदार यादव ने नाबाद रहते हुए इंडिया बी की टीम को जीत दिला दी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स टेस्ट से अभिलाष शेरगिल।